जो आज उनके OSD कह रहे हैं लोकेश शर्मा, वो 6 महीने पहले मैंने हर चीज़ और हमारी पार्टी ने हर मंच से उठाई थी। SOG के द्वारा जो पूछताछ की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। 15 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, जितना जिसका इतना बड़ा स्टेचर हो, वो खुद पेपर लीक माफियाओं को बचाए और जिम्मेदार लोगों के फ़ोन टेप कराए, तो उनके चरित्र को तो उजागर करता ही है, इसलिए उनको नुकसान होगा। तरौदा का बयान और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब के OSD का बयान जी, ये बहुत नुकसान कांग्रेस को करेगा। विरासत पर टैक्स हमारे यहाँ संभव नहीं है। किरोड़ी मीणा जी, स्वागत है आपका सबसे पहले तो पत्रिका के मंच पर। देखिए, लोकसभा चुनाव चल ही रहे हैं और कल दूसरे चरण की वोटिंग भी होनी है, लेकिन इसी बीच जिस तरह के मुद्दे उछल उछल कर सामने आ रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा पेपर लीक का मुद्दा जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा फैला था, और अभी जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके OSD हैं, उन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक बड़ा खुलासा फोन टैपिंग को लेकर कर दिया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे अब? देखो, जो आज उनके OSD कह रहे हैं लोकेश शर्मा, वो 6 महीने पहले मैंने हर चीज़ और हमारी पार्टी ने हर मंच से उठाई थी जी। मीडिया के सामने भी तथ्य प्रकट किए थे। DP जारोली का जो उन्होंने नाम लिया है, और उस आधार पर उस समय गहलोत सरकार ने उनको बर्खास्त भी कर दिया था जी। लेकिन SOG के द्वारा जो पूछताछ की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई जी। अब हमारी सरकार ने SIT बनाई है, वो उस गहराई में जाएगी, लेकिन जो अभी उन्होंने उजागर किए हैं, जो एकदम गोपनीय प्रमाण, जिसको हमारी कई बातों को लोग सही नहीं मान रहे हैं जी। वो अब प्रमाणित हो गई कि मुख्यमंत्री इसमें खुद इन्वॉल्व थे जी। DP जारोली को बचाने में, इसका मतलब पेपर लीक माफियाओं को बचाने में जी। इस पर माननीय गहलोत साहब को जनता के सामने स्पष्ट पक्ष रखना चाहिए, और अगर वो नहीं रख पाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी नैतिक हार है। बिल्कुल, और इसका असर कल जो सेकंड फेज की वोटिंग है उस पर भी आप मानते हैं बिल्कुल पड़ेगा? हाँ, उन जवानों में जो उन्होंने अपने सपने पाल रखे थे, मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं तहसीलदार बनूंगा, SDO बनूंगा, JN बनूंगा, उनके सपने सारे चकनाचूर तो हुए ही जी। तो एक 15 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, जितना जिसका इतना बड़ा स्टेचर हो, वो खुद पेपर लीक माफियाओं को बचाए और जिम्मेदार लोगों के फ़ोन टेप कराए, तो उनके चरित्र को तो उजागर करता ही है, इसलिए उनको नुकसान होगा। अच्छा, पहले फेज की वोटिंग हुई, उसमें वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा है, तो क्या चिंता का विषय है? हाँ, लोकतंत्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए, खुशी की बात है जी। पर 5-6% वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, चिंता का विषय है, और इस पर गहन चिंतन होनी चाहिए। और हमारी पार्टी ने पूरी तैयारी की है। एक तो उस समय फसल का टाइम था, शादियां बहुत थी, वो एक बड़ा कारण था, और उन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी पार्टी ने पूरी तैयारी की है कि जो 2019 में जितना परसेंटेज हुआ था उसके ज़्यादा कराना, ये हमारे संगठन ने तय किया है। क्या इस बार भी BJP हैट्रिक लगाएगी राजस्थान में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगाएगी। 25 की 25 सीट, पूरी तैयारी हमारी, चुनाव प्रचार बहुत अच्छा था, प्रधानमंत्री जी, दूसरे केंद्रीय नेता खूब आए, संगठन के कार्यक्रम भी अच्छे हुए, प्रभावी, और कार्यकर्ताओं में जोश है, जज्बा है मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने। अच्छा, कल ही जिस तरीके से कांग्रेस के सैम पित्रोदा, उन्होंने विरासत टैक्स को लेकर जो बयान दे दिया, उससे एक बार फिर से खलबली मच गई है, कांग्रेस में भी काफ़ी उथल पुथल हो रही है। वैसे कांग्रेस यहाँ राजस्थान में दावा कर रही थी कि इस बार BJP हैट्रिक नहीं लगा पाएगी, करीब 8 से 10 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में ही जाएंगी, तो अब इस तरीके का जो माहौल बना हुआ है, उधर सैम पित्रोदा का बयान भी आ गया, तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिविटी? सैम पित्रोदा का बयान और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब के OSD का बयान जी, ये बहुत नुकसान कांग्रेस को करेगा। देखो, विरासत पर टैक्स हमारे यहाँ संभव नहीं है जी। क्योंकि ये हमारे धार्मिक और परंपराओं से जुड़ा हुआ है,
कोई मंगलसूत्र पहने की महिला तो साथ फेरे खाती है, मंगलसूत्र पहना जाता है, उस पर भी टैक्स लगा दिया जाए, उसके घर पर भी लगा दिया जाए, तो ये देश की जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की ऐसी परंपरा है और वो हमारे यहाँ चल नहीं सकती। तो सेम पित्रोदय का बयान, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कई सभाओं में सावचेत किया देश की जनता को और उनको भी चेतावनी दी कांग्रेस वालों को, प्लस दिस लोकेश शर्मा का बयान कांग्रेस को काफ़ी नुकसान करेगा, इससे बीजेपी को बहुत फायदा होगा। चलिए बिल्कुल, किरोड़ी जी आप हमारे साथ जुड़े और हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।